उत्तराखंड के चमोली जिले में पेड़ों को बचाने के लिए हुए चिपको आंदोलन की 45वीं वर्षगांठ को गूगल ने डूडल बनाकर याद किया। चमोली में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में एक अहिंसक आंदोलन के तौर पर हुई थी। पूरे भारत में जंगलों को बचाने के लिए लोग पेड़ों की कटाई का शांति से विरोध कर रहे थे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए। ठेकेदारों को पेड़ों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन गांधी जी की अहिंसा की नीति पर आधारित था। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी थी, उन्हें हम चिपको वुमन के नाम से भी जानते हैं। गूगल डूडल चिपको मूवमेंट को याद करने के लिए बनाया गया। बात अगर करें गूगल डूडल के डिजाइन की, तो इसमें एक पेड़ के चारों तरफ महिलाओं को एक दूसरे के हाथ पकड़कर घेरा बनाते हुए दिखाया गया है। इस डूडल को साबु कोहली और विप्लव सिंह ने बनाया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत पर्यावरण को बचाने के लिए हुई थी। आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई। उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली अलकनंदा घाटी के मंडल गांव में लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया था। 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी और तभी से चिपको आंदोलन ने जन्म ले लिया। इसके बाद राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में यह आंदोलन धीरे धीरे फैलता गया। चिपको आंदोलन में पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट और उनकी संस्था दशोली ग्राम स्वराज संघ का भी अहम योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वालों में गौरा देवी के अलावा धूम सिंह नेगी, बचनी देवी, सुदेशा देवी शामिल थी। गांधीवादी सुधारक सुंदरलाल बहुड़ा ने भी इस आंदोलन को दिशा दी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अपील की, जिसके बाद पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी गई। उत्तराखंड से पहले चिपको आंदोलन का जिक्र राजस्थान में भी मिलता है। 18वीं सदी में राजस्थान में यह आंदोलन चला था। जोधपुर के महाराज ने जब पेड़ों को काटने का फरमान सुनाया, तब बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों से चिपट गए। इसके बाद राजा को पेड़ काटने का आदेश वापस भी लेना पड़ा। गूगल ने अपने डूडल को चिपको आंदोलन को समर्पित कर राज्य और देश के लोगों को पर्यावरण और इंसान के परस्पर संबंधों को एक नई व्याख्या देने वाले इस आंदोलन की याद दिला दी है। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365।